नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मंडी भाव। आज हम मंडी भाव के साथ साथ जानेंगे कुछ मंडियों के समाचार और उसमें कैसे चल रहे हैं भाव और आगे का क्या रहेगा हाल। तो इसी तरह अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं का भाव। तो गेहूं में सरकार ने आज कहा है कि खुले बाजार में केंद्र के गेहूं का भंडारण बेचकर खुदरा कीमतों में कमी लाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2022 से आगे मुफ्त अनाज वितरण योजना बढ़ाने के लिए उसके भंडार में पर्याप्त अनाज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जानी जाने वाली मुफ्त अनाज वितरण योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त देती है। निर्यात प्रतिबंधों में ढील पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार उचित समय पर इसके बारे में फैसला करेगी। खास करके गेहूं के लिए OSMSS के बारे में सचिव ने कहा कि अभी सरकार स्थिति को देख रही है और अब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। खुले बाजार में गेहूं की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। उत्तर भारत में पिछले कुछ सप्ताह में 2800 रुपये क्विंटल बिक रहा है, जबकि इसका MSP 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। मुख्य रूप से आपूर्ति कम होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। कुछ समय पहले आटा मिलों में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर अनुरोध किया था। सरकार के गोदामों का कम से कम 20 से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए, जिससे कीमतों में कमी आएगी। और अभी बाजार को देखते हुए ये भी लग रहा है कि पाइपलाइन में कहीं से भी कोई गेहूं नहीं है और अगली फसल आने में भी 4 से 5 महीने लेट है। तो इससे फसल सलाह यह अंदाजा लगाती है कि गेहूं के दाम अभी और बढ़ेंगे और मिलों की मांग जैसे जैसे बढ़ती रहेगी गेहूं 3000 के पार भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं गेहूं के कुछ प्रमुख मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, देवास में 2050 से 2800 रुपये तक भाव चल रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 2615 रुपये, ग्वालियर में 2525 रुपये, लखनऊ में 2700 रुपये, उदयपुर में 2650 रुपये और दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश लाइन का जो माल आ रहा है वो 2880 रुपये से 2885 रुपये, और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही 2950 से 3000 रुपये को छूने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ मंडियों में 3 दिनों के क्या भाव रहे हैं। तो लॉरेंस रोड में बाजार सामान रहा है। पहले दिन कुछ गिरावट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन 2 दिन में बाजार स्थिर रहा है। वहीं कानपुर में भी बाजार स्थिर देखने को मिल रहा है। कोटा में भी जो भाव है वो 2600 को छूने की कोशिश कर रहे हैं और बाजार लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर हम इंदौर में बात करें तो बाजार अभी सामान चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात कर लें तो लॉरेंस रोड में जो भाव है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 24 सितंबर को जो भाव थे वो 2500 के करीब थे। वही अगर हम आज 23 नवंबर और 24 नवंबर की बात करें तो बाजार 2850 रुपये को भी पार करने की ओर देख रहे हैं। इसके बाद हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी बाजार 2480 से निकल करके बाजार अभी 2600 से 2700 रुपये तक की ओर चल रहे हैं और बाजार कुछ दिनों से स्थिर चल रहे हैं वहां पे। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं मक्का की। तो मजबूत मांग के सहारे मक्के की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। इन दिनों मक्के की घरेलू मांग के साथ निर्यात मांग भी निकल रही है, जिससे आगे मक्के की कीमत में और तेजी आ सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन में 231 लाख टन मक्का उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के उत्पादन 226 लाख टन से ज्यादा है। इस साल मक्के की पैदावार तो पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन पिछले साल स्टॉक बहुत कम बचा था, इससे भी अभी मक्के के दाम बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मक्के की मांग खूब निकल रही है। नई आवक के दबाव में दाम गिरने के बाद स्टॉक करने वालों की मांग बढ़ी है। साथ ही पोल्ट्री फीड निर्माताओं ने भी खरीद बढ़ा दी है, जिससे बीते 2 सप्ताह के दौरान मक्के के दाम में 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं। घरेलू के साथ ही मक्के के निर्यात मांग में भी इस समय मजबूत है, इससे इस माह मक्के के दाम बढ़े हैं। मजबूत मांग के साथ ही इस साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बहुत कम रहा है, इस वजह से भी अब मक्के के दाम बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आवक का पीक सीजन भी निकल चुका है, ऐसे में आगे मक्के की कीमतों में और तेजी की संभावना है। आने वाले दिनों में मक्के के दाम में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकते हैं। सरकार ने रेक पॉइंटों में मक्के की जो अराइवल वो बढ़ा दी है, इससे भी मक्के भी और बढ़ेंगे। गुलाबबाग में मक्का भी 2600 रुपये के आसपास में चल रहा है और बिहार लाइन का जो मक्का है वो बांग्लादेश और नेपाल की पूर्ति कर रहा है। और वहीं बंगाल में भी बिहार वाला ही माल जा रहा है। छिंदवाड़ा में अराइवल बहुत तेज हुई है, लेकिन इसके बावजूद दाम में कहीं से भी गिरावट देखने को नहीं मिली है और दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं मक्का में कुछ भाव क्या चल रहे हैं। तो सांगली में जैसा कि हम देखें तो 2220 से 2300 रुपये चल रहे हैं। गुलाबबाग में 2370 से 2570 रुपये की बोली लग रही है। वही देवांगरी में हम बात करते हैं 2180 रुपये,
कोलकाता में 2500 रुपए, बुलंदशहर में 2200 रुपए और छिंदवाड़ा में 2120 रुपए हैं। और हम कुछ प्रमुख मंडियों की बात करें तो गुलाबबाग में जो है स्वभाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं भाई। छिंदवाड़ा में अराइवल बढ़ने से दाम में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है। दाहोद में बाजार स्थिर चल रहे हैं, देवांगरी में भी अराइवल अभी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां पे भाव स्थिर बनने में लेकिन घटने की कोई गुंजाइश यहाँ से लग नहीं रही है। वही अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो 10 अक्टूबर को जो भाव बढ़े थे 2450 रुपए, तो वो बढ़ करके 2550 रुपए चले गए थे, लेकिन वहां से फिर गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे ही और फसलों के और मंडी भाव, मौसम खबर, अनाज दलहन तिलहन तेल मसाले सब्जियों तथा फलों के भाव और रिपोर्ट जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फसल सलाह ऐप। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9810449569 है। किसी भी तरीके की मंडी या किसानों से जुड़ी समस्या के लिए हमारे पास फोन करें, और कोई भी बाजार की रिपोर्ट खरीदने के लिए भी हमें आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।